गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम करने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट का चैप्टर 4, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 3 हमारा क्या था? चैप्टर 3 हाँ, वो नाथपाती काटती, नाथपाती को उसने महसूस किया था। ऑर्गेन सेंस। हाँ, ऑर्गेन्स ना। यस यस। तो हमने किया था इससे पहले आवर ऑर्गेन्स। तो आज हम करने वाले हैं माय सेंस ऑर्गेन्स। हमने ये किया था चैप्टर 3 में, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। मतलब देखो मेरी बॉडी को बाद में, मतलब देखो बाद में मेरी बॉडी को। ठीक है, तो चलो जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले सोनम ठीक से रीड करो। क्या इसे रीड करो। मैम मैं रखी हूँ, सोनम नहीं। ही बोल रही हूँ मैं। अच्छा, साइना साइना पेट कितने इज इन हेड दे बटन नहीं। मैम ये क्या लिखा है? बाथटब बाथटब बाथटब। ओके मैम, बाथटब साइना इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हर। हर जो साइना है वो पेट को यानी किटी को, बिल्ली के बच्चे को हम बोलते हैं किटी, तो उसको नहला रही है बाथ टब में, और उसके लिए एक साइना जो है उसके लिए एक हर वहां लगता है जहां कोई चीज लड़की हो। तो जो ये किटी है ये गर्ल है, तो ये इसको हर बोल रही है। फिर इसने ये गाया है, रक्षी से रीड करो। आई ली विप यू क्लीन विथ दिस टूल टॉवल टॉवल ब्लू योर मिल्क एंड ब्राइड आर अच्छा ब्रेड आर वॉकिंग फॉर यू फॉर यू। इसने बोला है तुम मुझे नहला रही हो साफ से, इस टॉवल से साफ कर दो, ब्लू टॉवल से, एंड योर मिल्क एंड ब्रेड, जो तुम्हारा दूध और ब्रेड जो जो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब ये केटी कह रही है इससे, सेना से, कि मतलब मुझे अब साफ कर दो, मुझे मतलब इसे भूख लगी होगी, तो ये बोल रही है कि मुझे मिल्क के साथ ब्रेड का खाने का मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है गुरुबा। Yes, ma'am. Our body is important to use to us. ये us है. Okay, to us we most look after. It in if every way a looking body a clean body is a healthy body we must follow good habits to stay healthy. तो इसमें बोला है हमारी, आवर बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अस, हमारी बॉडी है जरूरी हमारे लिए, हम उसको देखते हैं सब कुछ, मतलब हम अपना इस बॉडी से सब कुछ करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को क्लीन, मतलब सफा साफ यानी हमेशा नहाना साफ रखेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो हमेशा अच्छी रहेगी,
हेल्दी रहेगी, मतलब तंदुरुस्त रहेगी। और अब हम इस गुड हैबिट को फॉलो करेंगे तो हम बहुत स्टे हेल्दी, यानी हम हेल्दी रहेंगे हमेशा। अभी जैसे कोविड चल रही है, तो कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी वीक थी, जो वैसे बॉडी से सही हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी मतलब ठीक हो गई है। इसमें यह है कि हम लोगों को अगर अच्छी हैबिट फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी हमेशा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे हमेशा। ठीक है, ओके गुरु, आप इसको रीड करो। मरुश ब्रश 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 आवर टीथ योर ओके मैम योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। गुड, अरे गुरुबा पहले से ना आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस वाले ग्रुप में आप अपनी रीडिंग भेजती, मतलब रीडिंग नहीं, जिसे अपनी हर रोज की रूटीन बताना। देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले, हमने आफ्टर बिफोर इन ये किया था हमने अपने मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट में। यस मैम, हाँ तो ये आपको आना चाहिए, बिफोर बोलना नहीं आ रहा आपको, इस पे थोड़ा काम करो। अब इसमें देखो उन्होंने क्या बता रखा है, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, अपने ब्रश को साफ किया करो सुबह और रात में सोने जाने से पहले। मींस ब्रश योर टीथ, मेरे पीछे पीछे सारे बोलो, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग and at night before going to bed okay। अब यहाँ पर मैं छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे आप लोग बोलते हो I wash my teeth, तो आप लोग को ऐसे बोलना है I brush my teeth in the morning and at night before going to bed। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैंने ब्रश किया, सुबह भी किया और रात में भी किया, और बेड पर जाने से पहले किया, रात में बेड पर जाने से पहले किया। तो आप सब ऐसे रक्षी एंड गुरुबा आप दोनों को ही अभी पता है क्योंकि क्लास आप दोनों ले रहे हो, तो आपको पता है, आपको बोलना है ब्रश, यहाँ पे लगाना है माई, ब्रश माई टीथ, ये नहीं लगाना, ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ पर आप बता रहे हो, मतलब अगर आप दो बार ब्रश करते हो, ऐसे दो बार ही ब्रश करना चाहिए अगर आपको अपने दांतों को चमकदार और अच्छा रखना है, तो आपको आज से ये प्रयोग करना है और दो बार ब्रश करना है, ठीक है? ओके मैम, मैं देखूंगी किसने इस चीज का यूज किया है कि नहीं किया है। ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, ये हमारा डन हो चुका है। अब हमारा आ गया रक्षी, रक्षी आप बात डेली विद क्लीन वाटर एंड सॉप विप योर सेल्फ ड्राई विद ए क्लीन टॉवल टॉवल गुड। तो इसमें क्या बता रखा है, ओके रक्षी, ये जो लास्ट में है, मेरा माउस दिखाई दे रहा होगा ये आपको, ये वाइप है, ठीक है, वाइप। अच्छा, ये वाइप होता है पोछना, क्या होता है, पोछना। अच्छा, वाइप पोछना। तो बोला कि बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप, क्या बोला, वाइप योर सेल्फ ड्राई विद ए क्लीन टॉवल, वाइप योर सेल्फ डेयर, यानी जो हमारी स्किन जो ड्राई हो जाती है, विद ए क्लीन टॉवल,
तो हमें सुखाना चाहिए अपनी बॉडी को, मतलब टॉवल से उसे सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, सुखाना चाहिए क्लीन टॉवल से। ठीक है, हमें हर रोज नहाना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए और हमें साफ पानी से नहाकर पोछना चाहिए, अपने आप को सुखाना चाहिए साथ में, यस मतलब टॉवल से सुखाना चाहिए, इन्होंने इतना बता रखा है। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो मैम, और मैम कि मैं तो अपने में एक बार नहाती हूँ, क्या मैं 1 वीक को नहाती हूँ, मैंने वन ये नहीं वीक पूछा कितना नहाते हो, मैंने ये पूछा जब भी आप नहाओ तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक अच्छा है, अच्छा हाँ ओके मैम, बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप, वाइप योर सेल्फ। अच्छा मेरे पीछे से सारे रीड करो, बाथ डेली बात बाथ डेली सॉरी विद क्लीन विथ क्लीन वाटर एंड सोप, वाटर वाटर एंड एंड सोप, सोप विप योर सेल्फ, वाइप योर सेल्फ वाइप योर सेल्फ ड्राई विद ए क्लीन, ड्राई विद ए ड्राई क्लीन विथ ए क्लीन टॉवल टॉवल, टॉवल। वेरी गुड, तो आप ऐसे ही बता सकते हो, थैंक यू मैम। वाइप माय फेस, आई क्लीन माय आर्म्स विद टॉवल्स, मैंने अपने हाथ और कंधे या फिर अपना गला या फिर अपना फेस साफ किया विद टॉवल्स, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। टुडे आई बाथ विद सोप एंड क्लीन वाटर, या ऐसे ही बोल सकते हो टुडे आई बाथ। देखो आप लोग जब अपने बारे में बताते हो पिछला तो आपको वॉज लगाना चाहिए, मतलब मैं वैसे ही इजी बता रही हूँ, टुडे आई बाथ विद क्लीन माई हेयर, जैसे किसी दिन आप शैम्पू से अपने बाल धोते हो तो वो दिन भी आप ऐसे बता सकते हो। ठीक ओके मैम, है गुरुबा, इसको रीड करो। मैम सबसे पहले क्या है? कॉम कॉम यानी कंगी, कॉम कॉम यू आर हेयर एवरी डे वाइल इट इट मैम ये क्या है? वंस। वंस ए वीक इसमें उन्होंने बोला है कि आपको अपने बालों को कंघी करना चाहिए एवरी डे, कॉम योर हेयर एवरी डे। आप ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप में, आई कॉम माई हेयर एवरी डे, टुडे आई कॉम माई हेयर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है ऑयल इन ए वन ए वीक, तो इसमें बोला है कि जो तेल है हमें हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं कि बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि एक हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए हमें अपने हेयर पे तेल। ठीक है, अब ये वाला रक्षी तुम रीड करो। ओके मैम, ना समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बताना है? जिस दिन आप लोग अपने बालों को कंघी करोगे बताना है आई कॉम माई हेयर एवरी डे या आई कॉम माई हेयर टूडे, टूडे आई कॉम माई हेयर। ओके ओके हाँ, लक्ष्य से रीड करो। वॉश योर हैंड हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग ईटिंग योर मील मील्स मील मील्स मील्स एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। टॉयलेट। हाँ, तो इसमें बोला है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, अपने हाथ को धो खाने से पहले और खाने के बाद। ओके, मेरे साथ यस सारे मैम, रीड कर, वॉश योर वॉश हैंड्स, योर हैंड गुरु बाप की आवाज नहीं आई, वॉश योर हैंड्स वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बिफोर बिफोर एंड एंड आफ्टर आफ्टर ईटिंग ईटिंग योर मील्स, योर बीन मील्स है यानी हमारे जो हेल्दी खाना होता है, तो मैम हाँ मैंने मील्स मतलब जो हेल्दी खाना हमें सुबह के टाइम मिलता है वो। एंड मील्स आफ्टर गोइंग एंड आफ्टर गोइंग
टू द टॉयलेट, टू द टॉयलेट। तो इन्होंने बोला है कि अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद धो। दूसरा इन्होंने बोला है योर मील एंड आफ्टर मील्स, यानी आफ्टर गोइंग टू बेड, और उसके बाद अपने खाने के बाद जब तुम टॉयलेट जाते हो तो उससे उसके बाद भी अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है? ओके, यस मैम। जब आप अपना मील फिनिश करते हो यानी अपना खाना खत्म करते हो उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम से आने के बाद अपना हैंड आपको वॉश करना चाहिए, ठीक है? यस सर। यार ओके, गुरु भाई इसको रीड करो। इट योर मील्स, इट योर मील्स, इट योर मील्स ऑन time at eat 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 eat. Okay ma'am. Eat healthy food. Healthy की spelling Rakshi and Guruba, आप healthy की spelling देख लो यहाँ पे H E A L T H Y, healthy, ठीक है? डिक्टेशन का भी टेस्ट आपका लेना शुरू करूंगी मैं, बस कुछ दिन और फिर उसके बाद करती हूँ। मैंने बोला है कि ईट योर मील, जब अपना खाना आप खाते हो उसको टाइम पर खाया करो, ऑन द टाइम। यानी मान लो मैं हूँ, मैं अपने पे एग्जांपल लेती हूँ, मैं हूँ, मेरे को सुबह 8 बजे खाना खाना चाहिए, उसके बाद दोपहर में मुझे 1:30 बजे या 1:30 बजे मेरा खाने का टाइम है, और रात में फिर मेरा मतलब इसके बाद मेरा 4:30 बजे टी है, यानी हमारा मतलब मेरा, मैं एक बार सही से लिख कर दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे सुबह 8 बजे मेरा है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मेरा दूध ब्रेड जो भी आता है मेरा ब्रेक है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और सेकेंड मील में मेरा, सेकेंड में क्या था मेरा, मेरा आप 1:30 बजे 2 बजे रख लो, 2 बजे मेरा लंच का टाइम है, ठीक है? और 4:30 बजे या फिर 5 बजे मेरा चाय का टाइम है, टी, और 8 बजे मेरा डिनर का टाइम है। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ हाँ बोलो। आफ्टर डे और इवनिंग ब्रेक, डिनर और लंच करती है, ब्रेकफास्ट नहीं। आप लोग का कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो अपने खाने को टाइम टू टाइम खाओ, क्योंकि मैं बताती हूँ खाना टाइम पर नहीं खाने से, जैसे आपने मान लो मैं छोटी सी साइंस के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि ये लड़का है इसको हम नाम देते हैं जो, ठीक है? जियो, जो 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 है ना हर रोज सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करता है, क्या करता है? ब्रेकफास्ट 7 बजे सुबह करता है। मैं आप सभी की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ये ना 9 बजे सो के उठा, ठीक है? 9 बजे सो के उठा, फिर ये रेडी हुआ तो 10 बज गया, इसने खाना अपना 10 बजे शुरू किया, 10:30, इसने खाना अपना 10:30 शुरू किया, ठीक है? एवरी डे जो उसका एवरी डे था, जो उसका एवरी डे था उसमें ये तो 7 बजे पता था, है ना? और एक दिन, ध्यान से सुन लेना ये साइंस है, एक दिन उसने 10:30 बजे खा लिया। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा, जब आप लोग खाना नहीं खाते हो तो आपके पेट में गरम गरम सा कुछ फील होता है, मतलब भूख सा, जलना सा फील होता है? एसिडिटी होती है। एसिडिटी होता है। मैं बताती हूँ, जब हम लोग, जब ये लड़का हर रोज 7 बजे खाता था ना, फिर ये हेल्दी रहता था। क्या रहता था? हेल्दी, हेल्दी। लेकिन एक दिन इसने 10:30 बजे खा लिया तो उससे क्या हुआ, मैं बताती हूँ उससे क्या फर्क पड़ा। इसको नहीं पता कि इसको क्या फर्क पड़ा, इसको नहीं पता, ये बिल्कुल अनजान है। मैं बताती हूँ, 7 बजे हम जब खाना खाते हैं तो हमें 7:30 बज जाते हैं, तो खाना खाने के बाद ना हमारा जो पेट है ना वो एक एसिड बनता है, एसिड यानी तेजाब, ठीक है?
तो तेजाब छोड़ता है, तेजाब के बाद ना जब वो खाना टाइम पर इसने नहीं खाया सुबह के, मतलब एक दिन मंडे का दिन था जो उसने 7 बजे खाना खाया, तो मंडे के 7 बजे इसने खाना नहीं खाया, लेकिन ये सो रहा था, इसके पेट ने वो एसिड छोड़ दिया, यानी वो जो खाना को गला कर जो वेस्ट हमारी जो बॉडी बनती है और जो सही होता है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो उस दिन वो एसिड निकला, लेकिन एसिड निकला ना तो इसने, इसका पेट खाली था, इसने तो कुछ खाया ही नहीं ना 7 बजे, तो पेट में एसिड निकला, एसिड ने अपना काम कर दिया क्योंकि ये हर रोज 7 बजे खाता था, उसने एसिड छोड़ दिया। अब इसके पेट में जो खाना नहीं था तो इसके पेट में, इसके पेट को वो एसिड खाने लगा, यानी इसका पेट अंदर से वो जैसे कि आग जो तेजाब होता है उसको कहीं भी रखो बॉईल होता रहता है, बॉईल हो रहा था, यानी अब क्या होगा इसका पेट निकल जाएगा, इसको एसिडिटी होगी, फिर इसको खाना पचाने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। इसीलिए हमें एक चीज सिखाया जाता है कि हमें हमारा खाना टाइम टू टाइम करना चाहिए। अगर गुरु 10 बजे सो के उठती है और खाना वो 11 बजे खाती है तो उसे एवरी डे हर रोज ये करना पड़ेगा, कभी वो 2 बजे खाएगी या सुबह के 7 बजे खाएगी तो ये 7 बजे खाना कोई प्रॉब्लम नहीं देगा अगर वो 11 बजे खाती है तो, लेकिन जो वो 2 बजे खाती, जो वो 11 बजे खाती थी और अगर उस दिन उसने 11 बजे नहीं खाया ना तो उस दिन उसका पेट एसिड छोड़ देगा और उसका फिर क्या करेगा, उसका पेट उसको दर्द करेगा, जलेगा, उसको पोटियां लग जाएंगी, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। yes, ना जो खाना है वो टाइम टू टाइम खाया करो, जैसे रक्षी को सुबह 10 बजे खाना खाना था, इसने 2 बजा दिए, तो वो जो 2 बजा है ना वो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जो अंदर इसका पेट है ना वो पछता रहा है, वो जल रहा है और इसकी सजा मिलती है, इसीलिए अपना खाना टाइम टू टाइम करो, ठीक है। अब रक्षित वाला पढ़ो। यस मैम। वेटर, वेटर, अच्छा वेटर क्लीन एंड इन बेड, इन बेड क्लॉथ चेंज योर क्लॉथ बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। ओके, इसमें इन्होंने बता रखा है कि जब आप सोने जाते हो ना, अभी तो हमने ईटिंग की बात की, वो ये था, अब हम इसके बारे में बात करें, जब आप बेड पर सोने जाते हो तो पूरे दिन जो आप कपड़े पहने रहते हो ना, जो पूरे दिन आप कपड़े पहने रहते हो वो कपड़ा नहीं पहनने चाहिए हमें, हमें अपने रात के लिए एक अलग सा नाइट सूट लेना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उसके पास अगर 2 जोड़ी कपड़े हैं तो जो एक जोड़ी कपड़ा जो थोड़ा सा फटा भी होगा तो रात में उसको अलग कपड़ा लेके सोना चाहिए बेड पर। योर क्लोथ चेंज योर क्लोथ बिफोर गोइंग टू बेड और गोइंग टू स्लीप एट नाइट, जब रात में आप सोने जाते हो तो आपको अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करने चाहिए, ठीक है। मैम रात में कपड़े बदलना जरूरी होता है? वैसे तो जरूरी नहीं होता, लेकिन जो बाहर लोग काम करते हैं उनके लिए तो जरूरी होता है, जरूरी तो वैसे हमारे लिए भी होता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप रात में अपना कोई नाइट सूट बना लेते हो, नाइट सूट का मतलब होता है सूट सलवार नहीं, नाइट सूट का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सूट सलवार रख लो, चाहे आप ऐसे टी शर्ट और ऐसे पैंट रख लो, कोई ठीक है, लेकिन बस होना चाहिए, तो रखना वैसे अच्छी बात है, ठीक है, कोशिश करना कि आपके पास हो। अब आज की क्लास ना हम यही एंड कर रहे हैं, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। और मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, यहाँ से आप सभी को, यहाँ से लेकर आप सभी को यहाँ तक, जहां तक मैंने आज करवाया है यहाँ तक लिखना है, ये सारा लिखना है अभी तक जितना हम मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। ये लिखने के बाद सभी को रीड कर सुनाना है, ठीक है। ओके मैम, मैं कैसे क्वेश्चन ले लूं? या वीडियो देख के करना पड़ेगा आपको, और इसको रीड करके सुनाना भी है। पहले आप इंग्लिश में मुझे एक्सप्लेन कर, इंग्लिश में सुना दोगे, उसके बाद हिंदी में भी एक्सप्लेन करना है, और मुझे आप सब बताना कि आप लोग टाइम टू टाइम खाना कितने बजे खाते हो, ठीक है। ओके ओके मैम।
अब आज की क्लास हम ये एंड करते हैं, बाय ऑल, बाय बाय ऑल, बाय 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 बाय।